करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टेन, इफ 1, P/3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 0, 2/9, देन शो दैट द लाइन 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट -1, 3p। सो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट सपोज करो, ये एक लाइन सेगमेंट है और इसमें लाइन सेगमेंट में क्या कह रहा कि इफ 1, P/3 इज द मिड पॉइंट। सो ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 1, P/3 और ये इसके सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट है, इनको ए बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज करो ये ए बी एक सेगमेंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 2, 0 एंड ये है 0, 2/9। तो अब मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? एक्स निकालना होता है तो हम लिखते हैं x1 + x2 / 2 और जब वाई निकालना होता है तो हम लिखते हैं y1 + y2 / 2। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है ये पास दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 3p। सो हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें मिड पॉइंट में y इज इक्वल टू y1 + y2 का फॉर्मूला लगाएंगे। सो y इज इक्वल टू क्या होता है? y1 + y2 / 2। तो इसमें y1 ले लेंगे हम 0 और y की वैल्यू क्या है? p/3। तो यहाँ पे लिख देंगे p/3 इज इक्वल टू 0 + 2/9 और / 2। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p और ये 0 + 2/9 क्या हो जाएगा? 2/9। तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या इटसेल्फ आ जाती है, 0 + 2/9 इज इक्वल टू 2/9। सो 3 × 2/9, तो ये 3 × 3 और 3×3 = 9, तो ये कितना हो गया? 2p इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। अब p को यहां से ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 × 2। मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/3। सो p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1/3। सो ये आ गया हमारा p इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? एक्चुअली पॉइंट क्या है हमारा? सो दिस इज द पॉइंट, पॉइंट इज इक्वल टू, पॉइंट कितना है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, -1, 3p। सो इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1, 3 × p की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू तो 1/3। सो 3 × 3 और 3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ गई? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गए? -1, 1। तो ये हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई इस इक्वेशन के लिए। तो पॉइंट्स क्या आ गए? पॉइंट्स ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए -1, 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया इसमें? -1 एंड y इज इक्वल टू हो गया 1। सो इस लाइन को लिख लेंगे हम और इस लाइन की वैल्यू पुट करेंगे। सो लाइन इज इक्वल टू 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। सो 5 × -1 + 3 × y की वैल्यू कितनी है? 1 + 2। सो इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पासेस थ्रू द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम निकाल लें -1, 3 × 3, सो +3 + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? -1 और 3 + 2 - 5, तो ये हो गया, और 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो -5 + 5
इज इक्वल टू जीरो. सो दैट मीन्स जीरो इज इक्वल टू जीरो. सो हम क्या कहेंगे, सो दैट सो द लाइन, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया. इसका मतलब ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो पासेज थ्रू द दीज पॉइंट्स. सो यहां पे लिख देंगे देन द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स पॉइंट माइनस वन कॉमा थ्री पी, माइनस वन कॉमा थ्री पी. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 11 to 123. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज नंबर वन अ स्क्वायर नंबर एंड टू इज अ मल्टीपल ऑफ सेवन. तो वो कह रहा है कि ये कार्ड्स हैं 11 to 123, तो इसका मतलब 10 कार्ड्स इसमें नहीं है, 1 to 10 नहीं है. तो इसमें कार्ड्स कितने हो गए, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू कितने हैं, 123 और माइनस 10. तो कितने हो गए नंबर ऑफ कार्ड्स, 113. क्योंकि इसमें 11 से स्टार्ट है तो 10 तक नहीं है, तो 1 टू 10 नहीं है, मतलब 10 मिसिंग है, तो माइनस 10 कर दिया अपन ने, तो 113 नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए. अब वो कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर. क्या निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर. सो स्क्वायर नंबर निकालेंगे. सो स्क्वायर नंबर क्या होगा, सो स्क्वायर नंबर्स निकाल लेते हैं हम. सो स्क्वायर नंबर कितने होंगे, स्क्वायर नंबर 10, सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड्स 113. और यहाँ पे एक्चुअली कार्ड की नंबरिंग कहाँ से है, सो कार्ड नंबर्ड कितने हैं, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर्ड फ्रॉम कार्ड्स, नंबर्ड फ्रॉम 11 to 123. तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी स्क्वायर नंबर. सो स्क्वायर नंबर इज, तो अब यहाँ पे 11 से देखेंगे, सो इसमें क्या आएगा, 4 4 16. सो इसके स्क्वायर नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 11 के बाद ही आएगा स्क्वायर, तो 4 4 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, एंड 11 11 121. सो ये हमारे स्क्वायर नंबर्स आ गए, 4 के स्क्वायर से लेके और 11 के स्क्वायर तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो द नंबर कितने हो गए, 8 नंबर. सो पी ए इज इक्वल टू हो गया 8. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन ए अपॉन एन एस. सो एन ए कितना है, इसमें नंबर कितने हैं, टोटल स्क्वायर नंबर्स कितने हैं, 8 नंबर्स. सो एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 113. सो ये एक आंसर हो गया. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7. सो मल्टीपल ऑफ 7 कहां से देखेंगे हम, 11 से, तो 7 1 7 तो आएगा नहीं, तो 7 2 14, और यहां से 7 2 14, 7 3 21, लाइक दैट डॉट डॉट डॉट, और 7 10 70, और उसके बाद में हम ले लें 77, इसमें फिर 7 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 और ये हो गया 91,
और 91 के बाद हो गया 98 और 98 के बाद हो गया 105 और फिर क्या आएगा 112 और 112 के बाद क्या आएगा 119। तो ये हमारे नंबर्स आ गए, मतलब 7 to the 14, 7 to the 21, इस तरह से लाइक दैट हम 7 के मल्टीपल्स में यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 7 1 the 7 नहीं है, तो 9 तो ये नंबर्स हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक हम सीधे 9 काउंट कर लें, 10 11 12 13 14 15 और 16। सो टोटल नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ क्या निकालना था हमें, मल्टीपल्स ऑफ 7 कितने हो गए, मल्टीपल ऑफ 7 की काउंटिंग कितनी हो गई, 16 नंबर्स हो गई। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 113। तो इसमें हम निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ सेवन। सो मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे एन ए कितना है, 16 अपॉन NS 113। सो ये आंसर हो गया इसका 16 अपॉन 113। तो पहला आंसर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर इज 8 अपॉन 113 और प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू 16 अपॉन 113। सो ये दोनों आंसर हो गए, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 सेज अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच सम आर रेड इन कलर, इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स एंड अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इट वॉज बिफोर, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। सो वो कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ विच सम आर रेड, सो सम आर रेड। सो सबसे पहले हम तो यहाँ पे सपोज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बी एक्स मान लेते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बी एक्स। तो अब यहाँ पे बॉक्स में कितनी हैं बॉल्स, 12 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इसको हम दो, चूंकि कंपेयर करनी है इसमें, एक को हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी 1, सो पी 1 प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, एन ए अपॉन एन एस। तो यहाँ पे एक्स है नंबर ऑफ रेड बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपकी 12। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 12। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 12। अब ये प्रोबेबिलिटी हो गई रेड बॉल्स की। अब वो कह रहा है कि इफ 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, सो नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी 6x, तो अब 6 बॉल्स और डाल दी तो अब कितना हो जाएगा, x में 6 प्लस हो जाएगा क्योंकि 6 बॉल्स इसमें और ऐड कर दी। सो नाउ सिक्स बॉल्स आर एडेड, यहां पे लिख सकते हैं नाउ 6 बॉल्स आर एडेड, सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए 6। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो गई, सो नाउ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू, पहले कितनी थी 12 और अभी कितनी 6, नाउ एडेड 6, सो ऐड कितनी कर दी 6 बॉल्स, सो नाउ 6 बॉल्स आर एडेड, सो द नंबर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई इज इक्वल टू 18। तो अब हम देखें, अब यहां पे हमें कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है कि 6 बॉल और ऐड करने के बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर, जितनी पहले थी उसकी डबल हो गई है अब,
प्रोबेबिलिटी। तो इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपन पी टू। सो पी टू, पी टू नो अब कितनी हो जाएगी, पी टू रेड बॉल्स की कितनी हो जाएगी, रेड बॉल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स अपॉन एटीन, एक्स प्लस सिक्स अपॉन एटीन। तो अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले थी उनसे जस्ट डबल हो गई है प्रोबेबिलिटी। तो पहले कितनी थी और अब कितनी है, अब हम यहां पे लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अभी जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल्स की, तो कितनी है अभी प्रोबेबिलिटी, एक्स प्लस सिक्स अपॉन एटीन। और यहां पे पहले कितनी थी, एक्स अपॉन टेन। सो कह रहा व्हाट इट वाज, व्हाट इट वाज बिफोर, पहले जो थी उसका क्या हो गया, डबल, डबल देन व्हाट इट वाज बिफोर। सो डबल हो गया। सो ये डबल है, ये ऑलरेडी डबल है। अब टू गेट द इक्वेशन बैलेंस हम क्या करेंगे, इस साइड में डबल नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी डबल है, हम इस साइड में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे डबल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स प्लस सिक्स अपॉन एटीन इज इक्वल टू टू इंटू एक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं, टू वन द टू, टू सिक्स द ट्वेल्व, और यहां पे भी हम कर सकते हैं क्रॉस। तो ये अपॉन में है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कट जाएंगे, तो सिक्स वन द सिक्स और सिक्स थ्री द ट्वेल्व, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसके नीचे वन मान लेंगे, तो थ्री इंटू एक्स, थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, तो थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स। सो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू। सो इसको काट देंगे, टू वन द टू और टू थ्री द सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, सिक्स, नो एक्स इक्वल टू थ्री, सॉरी एक्स इज इक्वल टू थ्री। सो एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गया, तो हम लिख देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू थ्री। सो दिस इज द आंसर।